महेंद्रगढ़ में सीएम सैनी ने संकल्प रैली कर हुंकार भरी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सैनी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर वार किए और कहा कि वोट लेने के लिए कई प्रकार की बातें आज कांग्रेस कर रही है। गारंटी के नाम पर वोट भी मांगे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में हमें केवल भ्रष्टाचार की गारंटी ही देखने को मिली। कांग्रेस की गारंटी पर अब देश को विश्वास नहीं रहा है। ये सब कुछ कहा महेंद्रगढ़ में, जहां उन्होंने विजय संकल्प रैली की। लगातार बीजेपी की तरफ से प्रचार किया जा रहा है। सीएम सैनी लगातार जो है विजय संकल्प रैलियां कर रहे हैं और आज उन्होंने महेंद्रगढ़ में रैली की, जहां पर कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा और उनके मैनिफेस्टो पर तीखे वार किए। गठबंधन के लोग अगर आज अपना मैनिफेस्टो भी निकालते हैं, ये राहुल गांधी दिल्ली में बैठ करके आयोग प्रेस के माध्यम से बोलता है कि हम न्याय देंगे। आयोग इस बात को भी हमने समझना है कि जो 55 साल 60 साल से चला रहे हैं, जिस प्रकार की सरकार को उन्होंने चलाई है, आयोग ये आज न्याय की बात कर रहे हैं। लोगों के साथ अन्याय होता था, अरे न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आयोग हम सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को आयोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके चांदी सौंपने का काम किया है। इन्होंने तो खाली उनसे बातें करने का ही काम किया है, लोगों के साथ अन्याय था। मुझे इस बात को बताते हुए ये महेंद्रगढ़ की सरदारी में भाइयों ने गर्व बोला कि जो लोग ये बात बोलते हैं कि हम न्याय न्याय करेंगे, भाइयों आपकी सरकार के अंदर देश के हमारे नौजवान साथियों के साथ देश के साथ भी अन्याय होता था, इस बात को हमारे देश के लोग नहीं भूले हैं। भाइयों ने कांग्रेस दिल्ली गठबंधन के लोग अगर आज अपना मैनिफेस्टो भी निकालते हैं, ये राहुल गांधी दिल्ली में बैठ करके आयोग प्रेस के माध्यम से बोलता है कि हम न्याय देंगे। आयोग इस बात को नायब सैनी ने पूर्व सांसद देव बिश्नोई से दिल्ली में उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। खबरें आ रही थी कि हिसार में रणजीत सिंह चौटाला को उम्मीदवार बनाए जाने से कुलदीप बिश्नोई खफा है, लेकिन बैठक के बाद कुलदीप बिश्नोई ने ऐसी सभी खबरों को विराम लगाते हुए कहा कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है और नाराजगी की कोई अफवाहें भी ना फैलाई जाए। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि 29 तारीख की रैली में कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई मौजूद रहेंगे। इस मौके पर कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर भी वार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और इस बार के चुनाव में कांग्रेस के सभी प्रत्याशी हारेंगे। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बढ़िया तरीके से मेहनत करके, चाहे वो हिसार लोकसभा है या कोई लोकसभा है, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और 10 की 10 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जिता के एक झोली में डालेंगे। मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है ताकि देश तरक्की करे। आप चुनाव प्रचार में कहाँ रहेंगे, भव्य कहाँ पे रहेंगे? सभी जगह रहेंगे, जहाँ भी पार्टी हुक्म करेगी वहाँ रहेंगे। और 29 तारीख को जो रैली है आदमपुर के अंदर, उसमें मैं भी आऊँगा, भव्य भी आएगा और सभी तमाम मुख्यमंत्री जी भी, सभी लोग हम आएंगे। ये कांग्रेसी भी ज्यादा कह रहे हैं कि कुलदीप साहब नाराज है, पक्का कोई नाराज नहीं? कांग्रेस पार्टी वालों की बात को सीरियसली क्यों लेते हो? अब लोग उनको सीरियसली नहीं लेते, वो तो खत्म हो चुकी है पार्टी, उनका कोई भविष्य नहीं है। टिकटें क्यों नहीं बांट रहे कांग्रेस वाले सर? वो तो वही बताएंगे, कोई लेने वाला नहीं है जो उनके टिकट के करें, वो सारे आ रहेंगे कैंडिडेट इनके। तो आपने सीएम साहब को ब्रेकफास्ट बुलाया था, क्या कुछ डिश थी? कढ़ी वगैरह बड़ी फेमस है आपने? हमारा तो आदमी हमारे परौंठे खिलाए, चूरमा हमारा, चूरमा कढ़ी पॉपुलर है बिश्नोइयों की हमारी, वो खिला रहा। ये कोई हमारी ये नहीं, कोई मुझे मनाने या कोई ऐसी कोई बात नहीं। जो विधायक है वो यहाँ पे मौजूद है। वही बीजेपी राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कांग्रेस पर वार किया। प्रत्याशियों की सूची देरी से आने को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर वार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी डरी और सहमी हुई है। कांग्रेस इस वक्त कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है। गुटबाजी को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर वार किया और कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम सीमा पर पहुंचने से कांग्रेस घबराई हुई है। वहीं सीएम और कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात पर भी बराला ने बयान दिया और कहा कि रूठने और मनाने की
कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। इसी के साथ साथ बराला ने जो है आगामी कार्यक्रमों की भी जानकारी दी और कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा भी जल्द ही हरियाणा में आकर चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से डरी हुई, घबराई हुई और सहमी हुई है। कांग्रेस पार्टी आज अनिर्णय की स्थिति में है और ये संदेश पूरे देश में है और पूरे हरियाणा प्रदेश में संदेश है कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस पार्टी अपनी गुटबाजी और गुटबंदी की चरम सीमा पर पहुंचने के कारण से बड़ी घबराई हुई है और इसी कारण से अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पा रही है। तो कुलदीप बिश्नोई बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक लंबा अनुभव है। हाँ, समय समय पर मुख्यमंत्री जी की, अन्य नेताओं की, बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है। कुलदीप बिश्नोई जी ने डट करके पहले भी पार्टी के लिए काम किया और भविष्य में भी करेंगे, ऐसी बैठ करके योजना बनी है और उसमें मोदी जी आदरणीय, गृह मंत्री अमित शाह जी आदरणीय, जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे तमाम नेताओं के कार्यक्रम भविष्य में हरियाणा में आपको देखने को मिलेंगे। जहां कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी नहीं कर पाई है, वहीं बीजेपी के प्रत्याशी जल्द ही जो अपना नामांकन भरेंगे। 29 अप्रैल को गुरुग्राम से प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह नामांकन भरेंगे, 1 मई को बंतो कटारिया अंबाला से अपना नामांकन भरेंगी, 2 मई को नवीन जिंदल, धर्मवीर सिंह और रणजीत चौटाला नामांकन भरेंगे। इसी के साथ साथ 3 मई को सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली अपना नामांकन भरेंगे, रोहतक से अरविंद शर्मा 3 मई को अपना पर्चा दाखिल करेंगे, 4 मई को सिरसा से अशोक तंवर, 6 मई को सीएम विधानसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन भरेंगे और पूर्व सीएम मनोहर लाल करनाल से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो भी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 6 मई को ही फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर भी अपना नामांकन भरेंगे। 29 अप्रैल को 6 मई तक नामांकन प्रक्रिया जो है वो चलेगी। हरियाणा में 25 मई को छठे चरण में चुनाव है।